सिंगरौली में मोरवा एसडीओपी राजीव पाठक और निरीक्षक मनीष त्रिपाठी ने एक नई पहल करते हुए थाने में पुस्तकालय खोला, जिसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह और कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने किया। थाना परिसर में पुस्तकालय खोले जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने मोरवा पुलिस की सराहना करते हुए बधाई दी। इस मौके पर बताया गया कि पुस्तकालय सभी के लिए खुला रहेगा। आपको बता दें कि मोरवा एसडीओपी राजीव पाठक एक अच्छे लेखक भी हैं, जिनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके साथ ही निरीक्षक मनीष त्रिपाठी को सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा सुर्खियां मिलती रहती हैं। दोनों के द्वारा मिलकर पुस्तकालय खोले जाने की लोगों ने सराहना की है। निश्चित रूप से ये मोरवा थाने की एक अभिनव पहल है और इससे कहीं ना कहीं पुलिस को और जनता को आपस में कनेक्ट करने में बड़ी आसानी होगी और जो एक दूरी महसूस होती है पुलिस और जनता के बीच कहीं ना कहीं कम आएगी। सामुदायिक पुलिसिंग की जो अवधारणा है वो मुझे लगता है इससे सफल होगी। निश्चित रूप से इसका अनेक तरह से इसका लाभ जो है जनता को मिलने वाला है। अच्छा अब प्रयोग है और जो मोरवा पुलिस थाने में जो यहाँ के जो एस डी ओ पी हैं और थाना प्रभारी हैं उन्होंने अभिनव प्रयोग करते हुए जो पुस्तकालय प्रांगण में प्रारंभ किया है उससे एक प्रेरणा हमें मिलती है कि किस तरीके से हम ज्ञान का प्रसार कहीं भी किसी भी माध्यम से हम कर सकते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।